सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की खबरें कुछ खास आपके पास, शुरुआत करते हैं थोड़ी दर्दनाक के साथ। कुंडलपुर, हजारों आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, गिनती की समाहित नहीं रही। और ऐसे ही कुछ लोग और आए थे। घटना वैसे शुक्रवार की बता रहे हैं आपको, जब खिमलासा से सागर के पास से आगे जाकर खिमलासा से चार टवेरा गाड़ियों में कई जैन बंधु परिवार के साथ दर्शन के लिए कुंडलपुर की ओर बढ़े थे। इसी कुंडलपुर की ओर जहां आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है इस समय, बढ़ते बढ़ते बहुत खुशी हुई उन सबको। उन गाड़ियों में आए, उतरे और दर्शन किए उन्होंने छोटे बाबा के, बड़े बाबा के। अभिभूत थे सारे, सारे दिन दर्शन करते रहे उधर उधर भीड़ भाड़ में, सब खुश थे। देर शाम को वे वापस चले अपनी टवेरा गाड़ियों से, चारों गाड़ी में सब जने बैठ गए और फुल होकर चल दी गाड़ियाँ। लगभग रात को 11 बजे की बात है, दमोह पार कर लिया था, सागर पहुंच गए थे कि तभी कहते हैं कि बंदी थाने के अंतर्गत ये जो था झिंकांजी घाटी के पास, उस घाट के पास जब वही गाड़ी, लगभग 11 बज चुके थे तो किसी ने कहा कि ड्राइवर ने कहा कि हमें भूख लगी, हम खाना खाएंगे। एक गाड़ी के ड्राइवर जो दिनेश था 29 साल का, वह ड्राइवर जैन ढाबे पर रुका, लोग अंदर थे गाड़ी के अंदर, वह उतरा और वहाँ उसने खाने के साथ शराब भी पी। और कहते हैं ना कि शराब कितनी बुरी होती है, इसके बात में इतिहास नहीं है, हर कोई हर के साथ देखते रहता है। शराब पी के गाड़ी पहन के आ गया और कहते हैं फिर शराब के अंदर शराब आदमी को चलाती है, शराबी नहीं चला पाता है। वही हुआ, उसने खड़े ट्रक के अंदर, लॉरी के अंदर बहुत तेज गाड़ी की टक्कर मार दी, गाड़ी टवेरा इतनी मजबूत चकनाचूर हो गई। बहुत दर्दनाक टक्कर थी है। और इस टक्कर के अंदर शुभम जो 65 साल के थे, शुभम जैन, और सुधा बाई जैन जो 45 साल की थी, उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है और बाकी सब घायल हो जाते हैं। जिनके अंदर 60 साल की सुषमा है, 40 साल की साक्षी जैन है, 45 साल के अजय जैन जी हैं, 10 साल का बच्चा हार्दिक जैन है और 13 साल का हर्ष जैन, जिसे बहुत चोटें आई हैं। राजमती 75 साल की है और मनोरमा भी, इन सबको चोटें आई। ड्राइवर को भी सर पे और पैर पे चोटें आई हैं। इन सबको सागर के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। कहते हैं हम किस दर्शन करने गए थे, लेकिन कहते हैं जब शराब का नशा किसी पर चढ़ जाता है तो उसका अंत हमेशा बुरा होता है। किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है, कहते हैं कर्मों का यही तो खेल हो जाता है। बहुत तकलीफ है, अभी सब अस्पताल में हैं, कुछ को चोटों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बारे में तो आप जानते हैं, जहाँ आदिनाथ बाबा कहते हैं। और एक और है आदिनाथ बाबा का, हमारा एक और क्षेत्र है, 52 गजा की बात करते हैं, वह भी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ के दृश्य आपको दिखा रहे हैं 19 फरवरी के, जहाँ पर आचार्य विभा सागर जी द्वारा यह दीक्षा दी गई। कहते हैं दीक्षा ऐसा रास्ता होता है जो कहते हैं तब हमारा सही रूप से जन्म होता है। इस संसार से, मोह से हटते हटते हम उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह से इस जीवन को हम सानिध्य में उत्तमता की ओर पहुंचाते हैं। कुछ नहीं रहता, सब लक्ष्मी को छोड़ देते हैं, सब मोह को छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, जिस तरीके से इन दृश्यों में आप देख रहे हैं। शरीर के ऊपर एक दुपट्टा भी नहीं रहता है, वह होती है मुनि दीक्षा। सब कुछ निसार है, इससे सब छोड़ के हम उस जगह जाते हैं जिसके चरणों पर लक्ष्मी भी लौटने लग जाती है। पर मुझे यह संसारिक लक्ष्मी नहीं, मैं तो मोक्ष लक्ष्मी का वरण करने आया हूँ, उस स्त्री को पाने आया हूँ जिसके लिए पूरे कहते हैं सिद्धालय पहुँच जाते हैं उस लक्ष्मी का वरण करके। यह दीक्षा वही है जो आचार्य विभक्सवजारवा इस 52 गजा में हुई। और फिर 20 फरवरी को यहीं पर शुल्लक दीक्षा हुई विभव सागर जी की। यह दृश्य है विभव सागर जी द्वारा यह दीक्षा दी गई और शुल्लक भैया जो नाम रखा गया शुल्लक जी का, वह था व्रत सागर जी। यह दीक्षा है 52 गजा से जो आप दृश्य देख रहे हैं। पहले मुनि दीक्षा हुई और बाद में शुल्लक दीक्षा की गई। जय हो। और हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी बहुत काम की बात कहते हैं, साफ कहते हैं अरे भूखे रह लेना पर वहां खाना पीना नहीं। कहां पर, सुनते हैं आचार्य ऋषि से। इतना नियम कर ले, जिस स्थान पर सफेद अंडे पड़े होंगे, रक्त बहरा होगा, मांस के टुकड़े पकड़े होंगे, शराब की शीशी रखी होगी, बेटा भूखे सो जाना, कहीं हेडपंप कुआं मिल जाए वहां पानी पी के सो जाना, लेकिन कितनी भूख लगे ऐसे स्थान बेटा जाके भोजन नहीं करना। आज और कल बहुत पावन दिन, 2 दिन 2 तीर्थंकर और 3 कल्याणकारे हैं। आज है हमारे 7वें तीर्थंकर का
ज्ञान कल्याणक हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान जी का। दो दिन पहले संडे को था हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक। इस फागुन माह के अंदर ना 11 दिन में 15 कल्याणक आते हैं, और आज हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान जी का, कहते 9 वर्ष के कठोर तप बाद काशी जी में जन्म हुआ था, वहीं तप 20 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी आपकी, और फिर 14 लाख पूर्व से कुछ ज़्यादा वर्ष अपने राजपाट किया, बसंत लक्ष्मी का नाश देकर आप तप की ओर चल दिए। 9 वर्ष के कठोर तप के सहित पूर्ण करने बाद आपको आज ही के दिन फागुन कृष्ण षष्ठी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। समोषण लगता है आपके 95 गर्दर थे, और आपका केवली काल 1 लाख पूर्व से कुछ ज़्यादा समय का रहा, और इस प्रभास कूट से यानी कल जो आ रहा है हमारा 23 फरवरी फागुन कृष्ण सप्तमी को आप मोक्ष चल देते हैं 500 मुनि जा साथ इसी प्रभास कूट से। शिखर जी जाते हैं ना आप, जब आप चलते हैं वापस आते हैं घूमते हुए गर्धर कूट, जब वापस आते हैं उसके बाद आती है आपके पास धर्मनाथ जी की कूट, फिर सुमतिनाथ जी की, शांतिनाथ जी की, महावीर स्वामी, फिर आती है प्रभास कूट सुपार्श्वनाथ जी। इस कूट की कोई बहुत खास बात है, कहते हैं यहाँ की रज इतनी बढ़िया है कि लोग अपने निर्माण के लिए यहाँ से खोद खोद के घर ले जाते हैं। आज भी कहते हैं इस रज का इतना चमत्कार है कि सारे दुख दूर करती है। यहाँ पर आज आप जाएंगे, जब भी देखते हैं आप, तो यहाँ पर आपको जगह जगह पहाड़ की मिट्टी खुदी हुई मिलती है। वो प्रभास हमारे जो 7वें तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ जी भगवान, हरे रंग की काया आपकी पारस प्रभु की तरह, आपके चरणों में बारंबार नमन। सुपार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। कहा ना आपसे कल खास दिन है डबल कल्याण का, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, तो 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी का ज्ञान कल्याणक है। कल 3 माह का कठोर तप किया था चंद्रपुर में जन्मे सह, और उन्होंने 3 माह कठोर के बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। 93 गर्दन आपके 100 किलोमीटर विस्तार का समोचरण था, 1 लाख पूर्व से ज्यादा समय का आपका केवली काल रहा चंदा प्रभु का। बोलिए चंदा प्रभु भगवान के ज्ञान कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेन्द्र।